जो है हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं अपने प्रिय छात्रों को बताना चाहूंगा कि सुदूर क्षेत्र में स्थित इस महाविद्यालय को बनाने का दृढ़ संकल्प हमारे अध्यक्ष महोदय ने सर के कुशल निर्देशन में चार संस्थाएं जिनमें दो पीजी कॉलेज हैं और दो इंटर कॉलेज हैं भली भांति चल रही हैं और दिनों दिन तरक्की कर रही हैं। आज यह संस्था अगर हम स्टाफ और छात्र संख्या को देखें तो पूरे उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर है और मुझे आशा है कि यह मैं परम श्रद्धे अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने जीवन दर्शन के अनुभवों के आधार पर मेरे प्रिय छात्रों को आशीर्वाद वचन कहें। मैं अपने अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं। हमारे प्राचार्य डॉक्टर अजीत राव जी, हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राएं, अभी हमारे डॉक्टर राहुल जी के द्वारा बताया गया कि आज इंट्रोडक्शन कार्यक्रम रखा हुआ है जिसको हिंदी में परिचय कहते हैं। अपने सब्जेक्ट के बारे में किसी भी टाइम 24 घंटे आप उनसे मदद ले सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। शिक्षा का बंधन है, गुरु शिष्य का बंधन है। आप सभी छात्र छात्राओं का हर्ष विद्या कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन। मुझे हर्ष विद्या मंदिर कॉलेज रायसी हरिद्वार में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो एक बेहतर भविष्य के संभावना के लिए प्रत्येक छात्र के उचित विकास के लिए समर्पित कॉलेज है। अब महिलाओं के लिए और सभी अन्य छात्राओं के लिए अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा पा पाना, प्राप्त करना और लाभान्वित होना अब मुश्किल नहीं है। इसी के कर्मश मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ जो हर्ष विद्या मंदिर निजी कॉलेज रायसी हरिद्वार उन शिक्षक संस्थानों में से एक है जिसे जनपद हरिद्वार के रायसी क्षेत्र के समाज सेवी डॉक्टर केपी सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर प्रभावती के सक्रिय प्रयासों से सन 2005 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल द्वारा महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जन सहयोग विश्वविद्यालय एवं शासन की अनुकंपा से सन 2005 में विज्ञान संकाय तथा 2007 में 9 विषयों में नियमित कक्षाएं शुरू करने का अवसर कॉलेज को प्राप्त हुआ। 2012 में MSc जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित तथा MA में शिक्षा शास्त्र में मान्यता मिली। इसी वर्ष में महाविद्यालय को NCTE द्वारा BEd की मान्यता मिली और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त की गई। वर्ष 2012 और 13 में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही फौज टिहरी गढ़वाल द्वारा महाविद्यालय को MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा MA हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, चित्रकला, भूगोल तथा वर्ष 2019-20 में BSc गृह विज्ञान, MSc गृह विज्ञान, BCom, MCom तथा MA अर्थशास्त्र की संबद्धता प्राप्त की। So where we start, the topic is discipline, anti-dragging, anti-tobacco and website. Next slide sir. सभी बच्चे चूंकि BA फर्स्ट ईयर में सबने एडमिशन दिया है तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे पिंक कलर की यूनिफॉर्म भी देख ले रहे हैं तो कंफ्यूजन बच्चों को यह है कि मैम पिंक पहनी है, ब्लैक पहनी है। तो एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगी। गर्ल्स की जो यूनिफॉर्म है दैट इज व्हाइट सलवार और व्हाइट सूट और ब्लैक दुपट्टा। जब विंटर्स आएंगी तो आपका ब्लैक कार्डिगन हो जाएगा। बॉयज की सेम यूनिफॉर्म है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है और उनकी साथ टाई है और सेम ब्लैक स्वेटर उनका पहन जाएगा। और मैं बच्चों को यहाँ पे एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी स्पेशली बॉयज को कि मोस्टली जो बॉयज की जो स्लीव्स होती हैं वो ऊपर की ओर फोल्ड होती है। हमें हर एक बच्चे को टोकना पड़ता है कि बेटा स्लीव्स नीचे करो, तो बार बार हमें भी टोकना बच्चों अच्छा नहीं लगता है।
तो मैं यहाँ पे सब बच्चे फर्स्ट ईयर के ही है, तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्लीव प्रॉपर हो। दूसरा, आपकी जो टाई है, सब बच्चों के स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड बटन जो है वो खुला होता है, तो जो आप अपनी टाई है एकदम प्रॉपर बांधना सीखे। अभी भी मोस्टली बच्चों का ऐसा ही है, ठीक है। तो आपका बटन बंद होना चाहिए, टाई प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए, टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी बेल्ट तक आनी चाहिए, वो सब चीजें आप सीखो। नहीं सीख सकते अपने दोस्तों से सीखो, यूट्यूब से सीखो, लेकिन प्रॉपर बांध के आओ। तो आपकी जो ड्रेस कोड है, आपका जो यूनिफॉर्म है, उसका इम्प्रेशन टीचर्स पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ओवरऑल हर चीज में वो मायने रखती है। तो यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। हमें बार बार आपको एंट्री गेट पे टोकना ना पड़े, बेटा आपके शूज कहाँ है, बेटा आपके दुपट्टा कहाँ है, कैसा है कलर। ओके, नेक्स्ट, फोन ऑन साइलेंट मोड। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फोन जो है बजता है, ठीक है, उसको साइलेंट मोड पे रखो। Basically, it's a system based on formalized teaching with the help of electronic resources is known as e-learning. ये आपके लिए उपलब्ध कराने का, क्योंकि हम एक राज्य सरकार के कॉलेज में अनुदानित संस्था है, तो एक फाइल को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप e-learning के माध्यम से easily सीख सकते हैं, environment friendly है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो इंटेंशन प्रोग्राम है कमेटी ने तैयार किया, इसके लिए सभी साथियों को, अध्यापकों को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के चिंतन फलक के लिए, आप लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारे कॉलेज की एक रूपरेखा जो है, आउटलाइन जो है, इसके बारे में बताने के लिए जो ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, शिक्षा के साथ साथ जैसे अगर आप खेल में भी अपने को अच्छे तौर पे स्थापित करना चाहते हैं, तो आप जो है वहाँ आप जो है अपने नाम को महाविद्यालय टीम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मंडल स्तर पे, राज्य स्तर पे अपने को स्थापित कर सकते हैं। चलाए जा रहे हैं एनसीएस या क्रीडा के क्षेत्र में क्रीडा, तो वो सब सूचनाएं हमने सूचना बोर्ड पर हमने चस्पा कर दिया है, ठीक है। और क्या पाठ्यक्रम है इसके बारे में तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग अलग पाठ्यक्रम में फिर लंबा सेशन हो जाएगा। और किस तरह हम आपका असेसमेंट करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल किस प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में कुछ पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्शल ऑफ आर्ट्स में किस तरह का पैटर्न है, इसमें क्या है, दो तरह के हैं आपके। इसमें सेशनल आपको चलता है, हर सिक्स मंथ में आपके एग्जाम होंगे जिसमें आपको यूनिवर्सिटी जज करेगी, उसी के साथ आपके इंटरनल असेसमेंट भी होगा। ये आपको जानना चाहिए अपने टीचर से जो भी आपको पढ़ा रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम का यूज क्या है, मेरे जीवन में क्या यूज होगा इसका, कैसे इसको इससे मैं जॉब प्राप्त कर सकता हूँ। सब यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो कुछ लोगों का जैसे जॉब भी है, कुछ का बिजनेस है, अधिकतर लोग चाह रहे होंगे पढ़ने के बाद मैं जॉब करूँ। तो अपने टीचर से पूछो कि इस कोर्स को पढ़कर इस सिलेबस के माध्यम से कौन कौन सी फील्ड में मैं जा सकता हूँ। बेटा मेरे पास जो है कैरियर प्लेसमेंट सेल है, सबसे पहले एक गाना सुनाता हूँ, चलो तुम्हें तुमने सुना नहीं होगा गाना, बहुत बोर हो गए ना मेरे बच्चे, गर्म भी हो रहे हैं, उसको घर पर हट जाओ, भाग जाऊंगा और दोबारा तुम आया तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। कब सुनोगे? तो बोलो क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगे। मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर, इंजीनियर बन जाओ भैया, बहना कहती अक्सर। क्या बनोगे, क्या बनोगे मुन्ना, बच्चे के इस विकास में बच्चे का कितना हिस्सा, यही बताने को आओ शुरू करते किस्सा। सुनोगे? दुनिया में जितनी भी कामयाब आती है सबके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर है जिसने उसे राह दिखाई कि तू ये कर सकता है, जस्ट डू इट। एक कहावत है मराठी में, हिंदी वर्जन सुनाता हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बोलो सही। क्या कहावत है? कायदे में हो, डिसिप्लिन्ड हो, टाइम से आते हो, टाइम से क्लास करते हो, हर टीचर का काम पूरा करते हो, तो भाई बताओ कौन सा टीचर तुम्हें बेकार कह देगा, कौन तुम्हें नंबर नहीं देगा, छप्पर फाड़ फाड़ के नंबर देंगे, इतने नंबर देंगे मार्कशीट हिल जाएगी, और बीसी कहेगा कि भैया गोल्ड मेडल इसी को दे दो,
हाँ गोल्ड मेडल, ये जो मजाक में बताया ना यही रास्ता है गोल्ड मेडल लेने का, यही यही तरीका होता है। जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपसे जुड़ा है, बस उसकी सुननी तो है आपको, उसका काम करना है, नहीं आए तो उसको पूछ लेना है ना जी, काम पूरा और कुछ नहीं करना। नंबर बिन मांगे मिलेंगे आपको, वो नंबर जिससे गोल्ड मेडल मिले कि आप मेरिट में ऊपर आए, मर्जी आपकी है। बोलो भाई क्या करोगे, क्या करोगे मुन्ना, पढ़ोगे पढ़ोगे? बहुत सही। अगर आप उससे सवाल पूछोगे तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? दूंगा ना, बिल्कुल दूंगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार, एक नहीं अनेक बार। पर पूछने वाला तो चाहिए कम से कम, आप हिम्मत तो करो पूछने की।